हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके गुरु चैनल। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट आया हुआ, किस पार्टी को कितना सीट मिला। तो जैसे कि आपको टीवी में दिखाया गया होगा कि जो कांग्रेस को और बीजेपी को इतना इतना सीट मिला है, वो और भी कुछ क्षेत्रीय पार्टी थी जो कि उसको कितना सीट मिला है, मैं इस वीडियो में पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। दोस्तों मध्य प्रदेश में किसको कितना सीट मिला है, ऐसे दोस्तों वहाँ पे जो है बीजेपी की सरकार, फुल बहुमत की सरकार वहाँ बन रही है और शिवराज सिंह चौहान जो है फिर एक बार जो है सीएम बनेंगे। मगर वहाँ पे और भी जो पार्टी जो चुनाव लड़ी उसका क्या हुआ, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों बीजेपी को जो है मध्य प्रदेश में एक सौ चौसठ सीट जो है दोस्तों वहाँ पे मध्य प्रदेश में मिला है, जो फुल बहुमत की सरकार है दोस्तों, और जो है मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे, ये पूरा कन्फर्म हो गया। कांग्रेस को जो है 65 सीट वहाँ पे हासिल हुआ है, जो कि लगभग काफ़ी वहाँ पे लॉस हुआ कांग्रेस को, और जो कांग्रेस जो है दो नंबर पे आ गई है। और भी छोटी पार्टियाँ अन्य को जो है एक मिला है दोस्तों, और बीएसपी जो है 2018 में दो सीट था, इस बार जो है दोस्तों जीरो जो है मध्य प्रदेश में बीएसपी को मिला है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों सर्वे है दोस्तों, जो कि बीजेपी को दो लॉस हुआ है, अन्य को जो है पाँच थे 2018 में भी, जो है एक जीत हासिल हुई है और चार जो है हार चुके। ये खबर जो है मध्य प्रदेश से निकल के आए दोस्तों, ये इतनी इतनी सीट इन पार्टियों को मिली हुई है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।